हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो आपको बताने जा रहा हूं, डिजिटल स्टाम्प कैसे बनाया जाता है। कोरल ड्रो 12 में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये कोरल ड्रो 12 है। एडा फोटोशॉप से कंट्रोल सी कंट्रोल भी बना लिया है। ये साइज बना लेंगे हम 1 इंची बाई 1 इंची, और इसको इसमें सेट कर लेंगे। ये होगा मेरा सेट, ये मेरा सेट हो गया, आप लोग देख रहे हैं। और इसको सेंटर में करके इसको हम प्रिंट का कमांड देंगे, और ये हमारा प्रिंट निकल जाएगा। बटर पेपर पर प्रिंट का कमांड देंगे, कर दिए प्रिंट। देखिए दो फ्रेंड्स, ये हमारा निकल गया प्रिंट आउट, बटर पेपर पर प्रिंट आउट निकल गया। इसको हम डार्कर से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम ले लेंगे टोडर का, ये डिजिटल स्टाम्प है, मुहर है टोडर का डिजिटल, ये इसको खोल लेंगे। और इसके बाद इसको खोलने के बाद, ये डिब्बा में कुछ नहीं है, इसको हम खोल लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, ये मेरा बटर पेपर पे प्रिंट हुआ है। और ये इसको ढक्कन निकाल लेंगे। ढक्कन निकालने के बाद में इसके साइज़ का एक ट्रांसपेरेंट कार्ड आता है, इसको हम इसके साइज़ के काट लेंगे। काटने के बाद अच्छी तरीके से इस पर चिपका देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों वीडियो। ये काट लिए हमने काट लिए हैं, और इस पर इसको चिपका रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, इसके साइज़ के हम अच्छी तरीके से काट लेंगे। अच्छी तरीके से कटिंग करने के बाद में, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये बटर पेपर पे हम थोड़ा हार्डनर से इसको प्रिंट को डार्क कर लेंगे। ये थोड़ा मेरा प्रिंटर अभी नया इंक डला है, इसकी वजह से वो थोड़ा फीका आ रहा है, इसकी वजह से हम हार्डनर रख के थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद ये देख रहे हैं, इस पर हम वो जो ट्रांसपेरेंट पन्नी था उस पर उसके साइज से हम काट लेंगे। कटिंग हो रहा है, काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों इसको हम टेप से चिपका लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसको टेप से चिपकाने के बाद में इसको ले जाएंगे हम फ्लैशी मशीन पे। मेरा फ्लैशी मशीन, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फ्लैशी मशीन है। इसके अंदर हम रख देंगे इसको, इस मोहर को इसके अंदर हम रख देंगे, और इससे दाब कर बैठा लेंगे। बैठाने के बाद दोस्तों हम पीछे से इसको लाइट स्विच को ऑन कर देंगे। यहाँ से हम स्विच ऑन कर रहे हैं, और ये मेरा लाइट आ गया है। जब ये ग्रीन बत्ती जलेगा तो इसको हम फ्लैशी, यहाँ से जो मेरा अंगूठा रखा हुआ है वहाँ से हम दबाएंगे, अंगूठा को दबाएंगे। जैसे ग्रीन बत्ती जलते ही हम अंगूठा को दबाएंगे तो इसमें से फ्लैक्स मारेगा। धीरे धीरे दोस्तों जल गया है, हमने अब दबाया, ये एक फ्लैक्स हुआ। हम इस तरह से करके टोटल 5 फ्लैश मारेंगे, और 5 फ्लैश में मेरा मुहर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए। देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। यहाँ से फिर हरा बत्ती हुआ, फिर एक दाबेंगे, एक फ्लैक्स हुआ। इस तरह से करके टोटल 5 फ्लैश मारना है। 5 फ्लैश मारने के बाद हम इसको मशीन को ओपन करेंगे, और मोहर को निकाल के देख लेंगे और अच्छी तरीके से बना है कि नहीं। उसके बाद नहीं बना होगा तो फिर से इसमें रख के फिर फ्लैक्स मारेंगे। हम देख रहे हैं दोस्तों खोलकर, मेरा मोहर इस पर देखिए एक्सपोज हुआ है कि नहीं, हम पहले देख लेंगे, उसके बाद इस पन्नी को हटाएंगे। इधर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मेरा मोहर हल्का उस पर आ गया है, इधर से एकदम कंप्लीट है। और इस साइड से भी हम देख लेंगे कि इधर से, इस साइड से मेरा कैसा है, इस साइड से थोड़ा फीका है। जो इसको हम दो बार और मारेंगे,
दोबारा मारने के बाद मशीन में रख कर दोबारा और इसको फ्लैश मारेंगे, दोबारा मारने के बाद मेरा एकदम से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। देख दो बार और मारेंगे, ये मेरा मोहर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और इसमें इंक डालकर, इसका ट्रोडर का इंक आता है दोस्तों, इंक डालकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये इंक से पूरा एकदम भर जाएगा। तो ये एकदम आपका मोहर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं मेरा मोहर बन गया, एक्सपोज हो गया है। आज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए मेरा मोहर बन के रेडी हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें इंक डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा और ये